ये पत्नी भक्त कवि है, पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, इसने महीनों से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। मैंने इसमें एक भी शब्द झूठ नहीं कहा है जी, सही बात। मैं बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ, आप लोगों की तालियां मुझे बड़ा बना देंगी, ये मेरा भरोसा है। वास्तव में तालियां कवियों की कमजोरी हो जाती हैं। रोज बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में पढ़ने का अवसर मिलता है, घनघोर तालियां आती हैं। मुझको तो तालियां कमजोर होने लगती तो मेरे पांव कांपने लगते हैं, दो मंचों पे मैं बेहोश हो चुका हूं। अरे कई जगह मारे गए हो। यहाँ से सही सलामत लौट जाऊं ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मेरी कविता, मैं कोई विद्वान कवि नहीं हूँ। कौन कह रहा विद्वान तुम? मेरी कविता दादा आपको अभी हम पूरा पूरा सूद समेत वापस करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम किसी का उधार नहीं रखते हैं। अरे बहुत विद्वान हो तुम तो, गोबर सूंघ के भैंस की उम्र तक बता दे दो। हाँ हाँ विद्वान है जी भाई, लेकिन हमारे आदरणीय तिवारी सूंघ कर नहीं बता पाते हैं। अरे बात पहुंच जाए तो आप लोग तालियां बिल्कुल बजाते रहिएगा। हाँ। सूंघ के नहीं बता पाते, कैसे बता पाते हैं ये आप लोग जानते हैं, इसलिए मैंने कहा ये सूंघ के नहीं बता पाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा, हमने आदरणीय तिवारी जी के पांव छुए, आदरणीय तिवारी जी के चरण छुए, वास्तव में इनके चरण इनके आचरण से बहुत अच्छा है। दो पंक्तियां प्रणाम की पढ़ता हूं और यहीं से कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाइएगा। मुझे लगे जैसे सभी को आपने सुना है वैसे ही सुनिएगा। अभी आदरणीय शुक्ला जी कविता पढ़ रही थी, आपको दिमाग लगाना पड़ रहा था, लेकिन मेरी कविता में आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे खुद ही इतना दिमाग नहीं कि मैं कविता में लगा। मेरी कविता में यहाँ से पढ़ूंगा तुरंत आप तक पहुंचेगी। मेरी कविता तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडूबा। अच्छा, आदरणीय तिवारी जी के चरणों में दो पंक्तियां रखता हूँ प्रणाम की। अगर प्रणाम अच्छा लग जाए तो पूरी की पूरी तालियां आदरणीय तिवारी जी के खाते में जमा कीजिएगा। पंक्तियां सुनिएगा कि दादा राम किशोर को बारंबार प्रणाम, दादा राम किशोर को बारंबार प्रणाम, दादा राम किशोर को बारंबार प्रणाम, और तन से तो ये राम है मन से आशा राम। अरे महाराज, अरे महाराज, कमाल 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 दादा, वाह बढ़िया। माँ वाणी की वंदना हुई, ज्योतिमा जी ने बहुत बढ़िया वंदना की, मैं भी माँ के चरणों में चार पंक्तियां रख करके अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन में इससे सुंदर कुछ नहीं लिखा, सही, वो अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ चार पंक्तियां रखता हूँ। हालांकि स्वीट डिश सबसे बाद में परोसी जाती है, लेकिन मैं चार अच्छी पंक्तियां आपके चरणों में इसलिए रख रहा हूँ कि आप लोग अच्छे श्रोता हैं, अच्छा सुन जाएंगे, क्योंकि इसके बाद में मैं क्या अवभाव बकने लगूंगा मेरा कोई भरोसा नहीं है। पंक्तियां सुनिएगा कि एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है, एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है, शहर में कितनी सुविधाएं हो लेकिन गांव जरूरी। अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह वाह। देखिए तालियां गलत जगह पे आप लोग बजा रहे हैं, इसी तरह से आप लोग गलत बटन दबा देते हैं, गलत सरकारें बन जाती हैं, इसलिए सही जगह पे तालियों का प्रयोग कीजिएगा। पंक्तियां सुनिएगा, चौथी पंक्ति आएगी तो आपकी तालियां अपने आप निकल आएंगी। एसी पंखे कूलर हो पर नीम की छांव जरूरी है, शहर में कितनी सुविधाएं हो लेकिन गांव जरूरी है, पूजा करो नमाज पढ़ो गुरुद्वारे चर्च में जाओ पर, पूजा करो नमाज पढ़ो गुरुद्वारे चर्च में जाओ पर, जब भी घर से निकलो छूना माँ के पांव जरूरी है, जब भी घर से निकलो छूना माँ के पांव जरूरी है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, सही बात। आप लोग इस मामले में सौभाग्यशाली हैं भाई साहब, लेकिन मैं इस मामले में दुर्भाग्यशाली हूँ।
मेरी माताजी नहीं है, दिवंगत हो गई हैं। जब तक वो जीवित थी मैं घर से निकलता था तो अपनी माँ के पांव छू करके ही घर से निकलता था। सही बात। आज वो नहीं है तब भी मैंने वो नियम भंग नहीं होने दिया है। पहले घर से निकलता था तो अपनी माँ के पांव छू करके घर से निकलता था, अब जब घर से निकलता हूँ तो अपने बच्चों की माँ के पांव छू करके घर से निकलता हूँ। धन्य हो, तुम्हें अधिकार है। वाह, अच्छा भाई साहब, आप विश्वास मानिए, आप विश्वास मानिए, मैं नारियों का बड़ा सम्मान करता हूँ। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा होती वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन भाई साहब मैं ये बात आज तक नहीं जान पाया कि जहाँ नारियों की पूजा होती है देवता आखिर वहीं निवास क्यों करते हैं। अच्छा है, चार पंक्तियाँ, चार पंक्तियां नारियों के सम्मान में पढ़ता हूं। आदरणीय ने अभी हमारा माल्यार्पण किया जी। मैं चाहूंगा कि ये चार पंक्तियां आप विशेष रूप से सुने। नारी है महान कहते हैं वेद व पुराण, क्या कहने, वाह। आपकी धरती से जुड़ी हुई पंक्तियां पढ़ता हूं कि नारी है महान कहते हैं वेद व पुराण, नारी पत्नी है, भगिनी है और माता है। नारी है महान कहते हैं वेद व पुराण, नारी पत्नी है, भगिनी है और माता है। माता पुत्र बहन भाई का नाता बनाता इस, बाकी सारे रिश्ते नाते आदमी बनाता है। और माता जब शीश पर हाथ फेर देती तब, माता जब शीश पर हाथ फेर देती तब पुत्र लवकुश सा महान बन जाता है, पुत्र लवकुश सा महान बन जाता है। किंतु जब पत्नी फिराती हाथ शीश पर तो शाहरुख खान भी अजय प्रधान बन जाता है। वाह, अच्छा है भाई साहब, आप जो हमारी खोपड़ी पर लंबा चौड़ा मैदान देख रहे हैं ये उसी बुलडोजर की करामात है जिसको मैं 25 साल पहले गाजे बाजे के साथ घर लाया था। अरे? अच्छा, 25 साल से अभी हमको याद आया दादा, अभी हमारी शादी की 25वीं वर्षगांठ थी तो हमारे बेटों ने हमको फिल्म के 2 टिकट ला करके दे दिए, कहा जाओ मम्मी पापा पिक्चर देखाओ। लड़के सपूत हैं जी, भगवान करे ऐसे लड़के भगवान सबको दे। अच्छा, हम पिक्चर देखने चले गए, लखनऊ पहुंचे, पिक्चर लगी थी कुछ कुछ होता है। अरे, हमने सोचा बहुत दिन से कुछ हुआ नहीं है, पिक्चर देखें शायद कुछ हो। तालियां। वाह। लेकिन आप लोग विश्वास मानिए, हम बैठ गए, पिक्चर शुरू हो गई, इंटरवल हो गया। अरे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब तक गाना आने लगा, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। तो हमारी श्रीमती जी ने कहा कि देखो शाहरुख खान काजोल से कितने अच्छे ढंग से प्यार कर रहा है, 25 साल हो गए आज तक कभी तुमने हमको इस तरह से प्यार किया। तो हमने कहा भाग्यवान, शाहरुख खान जो काजोल से इतने अच्छे ढंग से प्यार कर रहा है वो उसकी बीबी नहीं है। अच्छा अच्छा, और उसको प्यार करने के लिए 3 घंटे प्यार करने के लिए 5 करोड़ रुपए मिले हैं। और तुम्हारे पिताजी ने 25 साल पहले हमको 25,000 में निपटा दिया था, अब हम 1,000 रुपए सालाना में इससे अच्छा प्यार नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा, वाह भाई साहब, खूबसूरत भी वो इतनी है। अरे बाप रे, कि हम क्या बताएं। कोई पाकिस्तान से कविता लाने जाता है, कोई बसंत से कविता लाने जाता है, कोई बेरोजगारों से कविता लाने जाता है। भाई साहब मैं कविता लाने कहीं जाता नहीं, मैं अपने घर से कविता निकालता हूँ। अभी करवा चौथ बीती, करवा चौथ में ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल ताजा ताजा गरम गरम मेकअप करवा के आई, कमर पे हाथ रख के मुस्काई, बोली डार्लिंग कैसी लग रही है। हमने कहा सच्ची सच्ची बताएं। उन्होंने कहा क्या तुम्हारी ये भी औकात है कि तुम हमारे सामने झूठ भी बोल सकते हो। हमने कहा सच्ची सच्ची सुनना है तो सुनो। भाई साहब ये पंक्तियां आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, गुरुजी नोट कर लीजिएगा, या मोबाइल में फीड कर लीजिएगा, घर ले जाइएगा, लेकिन घर में मत सुनाइए।
अगर घर में सुना देंगे तो आपकी भी हालत बिल्कुल हमारी जैसी हो जाएगी। मैंने कहा कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, हालांकि नीरज भैया ने चाय भिजवाई, नमकीन नहीं भिजवाई। चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, कसम भगवान की बेहद हसीन लगती हो। चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, कसम भगवान की बेहद हसीन लगती हो, और रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना। तालियां यहां से तैयार रखिएगा, हाथ इधर उधर कहीं व्यस्त मत रखिएगा, मोबाइल वोबाइल पकड़ के मत रखिएगा जी। रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना, रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना, बिना मेकअप के तुम कौड़ी की तीन लगती हो। अच्छा है, अच्छा है भाई साहब, चार पंक्तियां और पढ़ता हूं। नाराज हो गई, 15 दिन तक हमारे घर में संवादहीनता की स्थिति बनी रही। संवादहीनता 15 दिन में मैंने पढ़ा लिखा प्रयास करके पढ़ा लिखा आदमी चार पंक्तियां लिखी। अगर आपके यहाँ भी कुछ इस तरह की स्थिति हो जाए तो आप लोग प्रयोग कीजिएगा, मेरा विश्वास मानिए फायदा होगा। अगर फायदा ना हो तो जिस थाली में तिवारी जी खाते हैं उस थाली में खिलाइएगा हमको। मैंने कहा देखिए मेरे पांव कांप रहे हैं, आप लोग मैंने बता दिया था। आप लोगों ने जैसे इन हल्की पंक्तियों को संभाला है, विद्वानों के बीच में चार अच्छी पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आपका टेस्ट देखना चाहता हूं। अगर आप लोग अच्छा सुनेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं उसी गियर में फिर लौटाऊंगा। मैंने कहा कि धूप की गठरी में मुट्ठी भर पुरवाई सी लगती है। कविता है, वाह 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 वाह। धूप की गठरी में मुट्ठी भर पुरवाई सी लगती हो, डीजे के घनघोर शोर में सहनाई सी लगती हो, और जिसे बांच कर काम सिंध में राम नाम का ज्वार उठे, जिसे बांच कर काम सिंध में राम नाम का ज्वार उठे, तुलसीदास की रामायण की चौपाई लगता है। हाय हाय हमें, वाह 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 वाह। प्रधान प्रधान रिपीट करो भाई ये पंक्ति, इतना छोटा माला बनवाओ कि खुपड़ी नहीं जा रही। इनका इतना बड़ा मस्तक है कि नहीं गया। अच्छा माला नहीं छोटा बल्कि मस्तक बड़ा है। सुनिएगा जी, आदरणीय का आदेश हुआ है। अच्छी पंक्तियाँ, चार पंक्तियां पुनः अच्छा पढ़ लेता हूँ उसको हम अच्छा कहेंगे। मुझे लगा कि मुझे बिल्कुल विश्वास हो गया कि वास्तव में आप लोग कविता भी सुनना चाहते हैं। वाह वाह। मैंने लिखा अच्छा है कि धूप की गठरी में मुट्ठी भर पुरवाई सी लगती हो, भाई क्या कहने, वाह। डीजे के घनघोर शोर में शहनाई सी लगती हो, तालियां आपकी उसी तरह से हैं, कमजोर तालियां आएंगी तो मैंने बताया मेरे पांव कांपने लगे। कि डीजे के घनघोर शोर में शहनाई सी लगती हो, और जिसे बांच कर काम सिंध में राम नाम का ज्वार उठे, राम नाम का ज्वार उठे, तुलसीदास की रामायण की चौपाई सी लगती हो। जिस जनपद से आया हूँ, बाराबंकी जनपद से, वहां की चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। अच्छा, उम्मीद है आपको अच्छी लगेंगी। कई लोगों ने, हमारे कई मित्रों ने कहा कि उन पंक्तियां जरूर पढ़िएगा, उनकी मांग थी, इसलिए मैं मांग भरने का प्रयास कर रहा हूँ। सुनिएगा, हमारे जनपद में चार नदियां हैं, घाघरा, गोमती, कल्याणी और रेठ। मैंने वहीं से पंक्तियां उठाई हैं कि चार चार नदियां हैं जिसमें प्रवाहमान, चार चार नदियां हैं जिसमें प्रवाहमान, फिर भी हो प्यासी बाराबंकी लगती हो तुम। क्या बात है, वाह वाह। चार चार नदियां हैं जिसमें प्रवाहमान, फिर भी हो प्यासी बाराबंकी लगती हो तुम, और डूब कर जिसमें निकलने का मन ना हो, होली की गुलाल भरी टंकी लगती हो तुम। वाह। और बड़े बड़े योगियों का हाजमा खराब होता, तालियां यहां से खोलिएगा, कि बड़े बड़े योगियों का हाजमा खराब होता, विरेचक चूरन की फंकी लगती हो तुम, विरेचक चूरन की फंकी लगती हो तुम, और मुंह बाए जिसे देखता रहूं मैं सारी रात, रंपत सुनामी की नौटंकी लगती हो तुम। अच्छा अच्छा है, 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 है।
चार पंक्तियां और पढ़ देता हूँ, विशुद्ध हास्य की पंक्तियां सुनिएगा। अच्छा, उपनाम भी रखा है कविता में, कविता में नाम रख लिया। आप लोग यहाँ कविता का आनंद ले रहे हैं, शाबाश। जो लोग घर में होंगे वो निद्रा का आनंद ले रहे होंगे। जी बिल्कुल, बहुत संभाल के बोल रहे हो। अच्छा, हमने सोचा था वही शायद मैं समझ गया, नहीं समझ आई तो मैंने स्पष्ट कर दिया। उसका अर्थ भी निद्रा है और वो लोग निद्रा का आनंद ले रहे होंगे, लेकिन मैं इस समय क्या ले रहा हूँ आदरणीय गुरु जी, सुना कि राधे माँ की देह से जो भीनी भीनी आ रही है। है, है। अच्छा है गुरु। राधे माँ की देह से जो भीनी भीनी आ रही है उस प्राण वायु में ही सांस ले रहा हूं। राधे माँ एक ऐसी देवी हैं जिनको बहुत नजदीक से सूंघने की सुविधा है भक्तों को। कभी वह भक्तों की गोद में बैठ जाती हैं, कभी भक्तों को गोद में उठा लेते हैं। तब मैंने चार पंक्तियां लिखी, सुनिएगा कि राधे माँ की देह से जो भीनी भीनी आ रही है उस प्राण वायु में ही सांस ले रहा हूं मैं। रामपाल और बापू आसाराम जी से जेल जाके लव टिप्स खास खास ले रहा हूं। और डेरे वाले बाबा के लगा के रोज चार फेरे। तालियां फिर आप लोग गलत जगह पे बजा रहे, तालियां बजाने वाली पंक्तियां आगे आ रही है कि डेरे वाले बाबा के लगा के रोज चार फेरे। प्रीत से हनी सनी मिठास ले रहा हूँ मैं, प्रीत से हनी सनी मिठास ले रहा हूँ मैं, और इस सब के लिए ही रामदेव जी से स्वर्ण भस्म युक्त च्यवन प्रास ले रहा हूँ मैं। वाह। अच्छा, मैंने तिवारी जी से बताया जी। तो तिवारी जी ने कहा कि हम भी ले रहे हैं लेकिन हमको फायदा नहीं कर रहा है। तो हमने जो चार पंक्तियां तिवारी जी के लिए लिखी वो सुनिएगा। बिगड़े हैं छंद बंध तो समास क्या करे, बिगड़े हैं छंद बंध तो समास क्या करे, उपमा यमक उत्प्रेक्षा अनुप्रास क्या करे, बिगड़े हैं छंद बंध तो समास क्या करे, उपमा यमक उत्प्रेक्षा अनुप्रास क्या करे, जर्जर हुए पुर्जे सभी तन की मशीन के। अब तिवारी जी के लिए तालियां उठाइएगा। जर्जर हुए पुर्जे सभी तन की मशीन के तो स्वर्ण भस्म युक्त च्यवन प्रास क्या करे। चार पंक्तियां और सुनिएगा, बिल्कुल विशुद्ध हास्य की पंक्तियां उठाता हूँ। अभी एक अंग्रेज हिंदुस्तान में घूमने आया था, उसके साथ एक दुर्घटना घट गई। मैंने दुर्घटना ज्यों की त्यों बयान की है। जब वो यहाँ आया तो उसको मच्छरों ने घेर लिया। वो भाग के गया, अपने होटल के कमरे में घुस गया, अंदर से कुंडी लगा ली। तो मैंने उसके बंद कमरे से चार पंक्तियां निकाली है, सुनिएगा। कि एक अंग्रेज आया भारत भ्रमण पर, एक अंग्रेज आया भारत भ्रमण पर, मच्छरों की फौज देख के वो घबरा गया। एक अंग्रेज आया भारत भ्रमण पर, मच्छरों की फौज देख के वो घबरा गया, और कमरे की बत्ती को बुझाया और लेट गया, सोचा सारी परेशानियों से मुक्ति पा गया। वाह वाह। कि तभी एक जुगनू ने आके किया दुप दुप। बढ़िया प्रयोग है भाई। तभी एक जुगनू ने आके किया दुप दुप, यह देख उसका दिमाग चकरा गया। और अगली पंक्ति पे एक भी हाथ खाली न रहे कि यह देख उसका दिमाग चकरा गया, और बोला इंडिया का मच्छर कितना है होशियार, अंधियारा देखा साला टार्च लेके आ गया। अच्छा है, अच्छा है। वाह। चार पंक्तियां और सुनिएगा। वाह वाह प्रधान। मैं जिस काम के लिए बुलाया गया था वो काम मैंने कर दिया है, लेकिन जिस काम के लिए आया हूँ क्या कहने, वाह वाह, वो काम करके जाना चाहता हूँ। अभी पुलवामा में हमारे 42 जवान शहीद हो गए। अच्छा। तो मैंने देश की सत्ता के लिए चार पंक्तियां लिखी, शोभनम। वो पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ जी प्रधान, कि अपने 42 जवान भारत माता खोइस। अवधि भाषा में सुनिएगा नीरज भैया क्या कहने, कि अपने 42 जवान भारत माता खोइस,
इनके परिवारन का धीर कस्ब नहीं हो, अपने 42 जवान भारत माता खोइस, इनके परिवारन का धीर कस्ब नहीं हो, और 4.5 साल तेनी 56 इंची रट रहे हो, 56 इंची का प्रताप आप कब दिखाई हो, और वो बम फोड़ रहा, वो बम फोड़ रहा, तुम चुप्पी साधे बैठ, आखिर ये गांधी गिरी कबले चलाई हो, आखिर ये गांधी गिरी कबले चलाई हो, और नाग अग्नि पृथ्वी त्रिशूल एक साथ आगो, का ये मिसाइलें ब्याहे मत गई हो, वाह वाह है 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 प्रधान, हमें बढ़िया है बढ़िया है, अच्छा है अच्छा है अच्छा है, वाह का ये मिसाइलें ब्याहे मत गई हो, बढ़िया है, वाह वाह। और आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, वाह, सिर्फ मेरी 4 पंक्तियों पे अमल कर लीजिएगा, कश्मीर में जो आतंकवादी पत्थरबाज बैठे हुए हैं उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, अगर आप लोग 2 साल अमरनाथ नहीं जाएंगे तो अमरनाथ बाबा भूखो नहीं मर जाएंगे, वाह। तब 4 पंक्तियां समाधान की देता हूँ, सुनिएगा क्या कहने, वाह, कि शिमला ऊटी जाओ, शिमला ऊटी जाओ, दक्षिण भारत घूमो आनंद करो, क्या कहने, वाह, चाहे जहाँ पूरे देश में चले जाओ, शिमला ऊटी जाओ, दक्षिण भारत घूमो आनंद करो, 2 साल के लिए अमरनाथ कश्मीर घूमना बंद करो, वाह वाह वाह, शिमला ऊटी जाओ, शिमला ऊटी जाओ, शिमला ऊटी जाओ, दक्षिण भारत जाओ आनंद करो, अच्छा है, 2 साल के लिए अमरनाथ कश्मीर घूमना बंद करो, जब दो सालों तक भारत से आमन न कोई जा पाएगी, अगर समाधान सही लगे तो एक एक हाथ खुले, जब दो सालों तक भारत से आमन न कोई जा पाएगी, 2 सालों में ही अकल ठिकाने सालों की आ जाए, अच्छा है, 2 सालों में ही अकल ठिकाने सालों की आ जाएगी, इसको कहते हैं यमक अलंकार, सालों शब्द का दो अर्थ है, मैं पढ़ना तो बहुत कुछ चाहता था, नोट करके भी बहुत कुछ लाया, लेकिन एक छोटी सी कविता से आप सभी को जोड़ देता हूँ, हमारे अन्य कवि मित्र पढ़ने के लिए बैठे हैं, और अगर आप लोग बैठे रहेंगे तो मेरा एक दावा कि कवि सम्मेलन 2 चक्र चलेगा, तो जिन कवियों को आप दोबारा सुनना चाहेंगे उनको भी सुन लेंगे, बैठे तो मैं एक छोटा सा छोटी सी कविता पढ़ करके अपने काव्य पाठ को विराम देना चाहता हूँ, माला नीचे रख दो, वही वजन कर रहे तुमको, सुनिएगा, अभी संस्कारों की बड़ी बात हुई, मैं कुछ अच्छा पढ़ करके जाना चाहता हूँ, अभी मैं, हमारी ससुराल है लखनऊ में, मैं ससुराल घूमने गया था, तो वहाँ का मैंने जो दृश्य देखा उस दृश्य को मैंने शब्द चित्र में पिरोया है, एक शब्द चित्र आपको देना चाहता हूँ, सुनिएगा, सुनो, कि हम याग दही लखनऊ गए ससुरारी रिश्तेदारी में, हम याग दही लखनऊ गए ससुरारी रिश्तेदारी में, और हुआ धुनुरकन निकर पर टहले खातिर भोरहारी माँ, तो देखा ज्यादातर ज्वाड़ा थे, ज्वाड़ा आप लोग समझ लगे, जोड़े जोड़े से लोग निकलते हैं सुबह टहलने के लिए, आप लोगों के यहाँ भी निकलते होंगे तो आपने देखा होगा, शहरों में तो लोग बहुत निकलते हैं, देखा ज्यादातर ज्वाड़ा थे, देखा ज्यादातर ज्वाड़ा थे, एक दूसरे के पकड़े हाथ चले, देखा ज्यादातर ज्वाड़ा थे, एक दूसरे के पकड़े हाथ चले, यू लगे कि जैसे 2 हाथी के बच्चा एक के साथ, देखिए भाई साहब हमारी हमारे पाँव कांपने लगे आपकी तालियां, यू लगे कि जैसे 2 हाथी के बच्चा एक के साथ चले, ना पातर को दिखाए पड़े, ना पातर को दिखाए पड़े, सब लागे एक ते एक डबल, ना पातर को दिखाए पड़े, सब लागे एक ते एक डबल, जो योग जना क्विंटल भर का तो द्वासर हवे 1.5 क्विंटल, अच्छा एक बाबू सूट बूट डाटे कुकरे साथे दौड़े हमें, देखा होगा आप लोगों ने कि एक बाबू सूट बूट डांटे कुकरे साथे दौड़े हुए, जंजीर लपेटे हाथे माँ खुद दौड़े वहू को दौड़ा, आगे कुकुर पाछे बाबू, आगे कुकुर पाछे बाबू, आगे कुकुर पाछे बाबू, किढ़लत है चल ना पावत है, आगे कुकुर पाछे बाबू, किढ़लत है चल ना पावत है, हम अब तक यू न जान पावा कि कोकी का टहलावत है, अच्छा अच्छा कुछ कुकुर जोड़ लगा दिए पट्टा हाथे थे छूट गया, अरे
कुछ कुकुर जोर लगा दी पट्टा हाथे ते छूट गवा, सिग्नल सभी गायब हो गए, नेटवर्क अचानक टूट गवा और पपुआन रेल के इंजन हस, पपुआन रेल के इंजन अस भागा जर दगी मिसाइल है, पपुआन रेल के इंजन अस भागा जर दगी मिसाइल है, कुछ जने कहीं बुलडाग आई के तो यहाँ स्टाइल है। अच्छा है, वो पता नहीं का सोचिस कि सीधे हमका दौड़ा ले, हमें कुत्ते बहुत पहचानते हैं। देखिए यहाँ से तालियां कुछ कमजोर हो रही हैं, देखिए कभी बार बार तालियां बजाने के लिए कहता है तो उसमें कभी का ही फायदा नहीं होता है, उसमें आप लोगों का भी फायदा होता है। वास्तव में आदरणीय हर काम के लिए एक समय निश्चित है, हर चीज का एक कोटा फिक्स है, जैसे आपको जितनी सांसें लेनी है उतनी आपको लेनी पड़ेंगी। सही बात, उसी प्रकार जितनी तालियां आपको बजानी है उतनी तालियां आपको बजानी पड़ेंगी। अगर वो कोटा इसी जन्म में पूरा कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगला जन्म आप लोगों को सिर्फ तालियां बजाने के लिए लेना पड़ेगा और फिर घर घर जाकर के तालियां बजाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपना कोटा इसी जन्म में पूरा करने एक बार जोरदार तालियां बजाना आगे बढ़ता हूं। क्यों पता नहीं का सोचिस कि सीधे हमका दौड़ा लिए, हम जान छोड़ के भागन मुलू हमका झपट गिरा दिए, हम गिरन मुला चमरौधा दहीने घोड़े ख्यार घसीट लेन, हम गिरन मुला चमरौधा दहीने घोड़े ख्यार घसीट लेन, फिर आओ न देखा ताव फटाफट मार मुहे मु पीट पीट दियन। हुई बड़े जोर ते तनमनान, हुई बड़े जोर ते तनमनान, हम हूँ जो छोड़ के भागन है, होई गवा छनाका खोपड़ी में लागे कि अब्बे जागन है, और गली मा गली फिर या गली मा भटक गए, गली मा गली फिर या गली मा भटक गए, जो गिरबाव के नकासे थे तो फिर खजूर मा अटक गए, फिर कयू जनन ते पूछ पाँच के कौनु भी घर का आयन, मुल हिया जो पहुँचन योग नवा खलमंदर और रचा पायन, हम मूड़ेम गमछा बांध लीन देखा जब गड़बड़ झाला है, हम मूड़ेम गमछा बांध लीन देखा जब गड़बड़ झाला है, कुत्ते वाले साहेब का घर तो बिल्कुल बगल वाला। अच्छा है, अच्छा साहेब तो नहीं जान पाएं, साहेब तो नहीं जान पाएं, कुकरवा मुलाको सुख बुगान, अपनी जात बिरादरी को पहचानते हैं सब। देखिए हमारी सबसे ज्यादा जान पहचान अगर किसी से है तो आदरणीय तिवारी जी से है। साहेब तो नहीं जान पाएं, कुकरवा मुलाको सुख बुगान, पहले तो बोला कूं कूं फिर मुंह उठा के पुक पुकान, हम तुरते अंदर घुस